सात अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले सात अजूबे का विचार हेरोडोटस और कलिम्चुस को आया था। इन्होंने सबसे पहले सात अजूबे की सूची तैयार की। उस समय के सात अजूबे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, स्टेचू ऑफ जीउस एट ओलंपिया, टेंपल ऑफ आर्टेमिस, माउसोलस का मकबरा, कोलोसस ऑफ रोडेज, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रा था। अब ये सारे नष्ट हो गए हैं। अगर अब के सात अजूबे की बात की जाए तो नंबर सात पर चिचन इट्जा आता है। यह कैनकन के पश्चिम में 200 किलोमीटर की दूरी पर यूकाटन राज्य में स्थित है और यह मेक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इट्जा वंश समुदाय का नाम है। चिचन इट्जा का मतलब होता है कुएं के किनारे। ये पिरामिड की आकृति की तरह है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी ऊंचाई 79 फीट है और इसके ऊपर चढ़ने के लिए इसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसमें कुल मिलाकर 365 सीढ़ियां हैं। कोलोजियम, यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम है। इसे लगभग 70वीं ईस्वी में सम्राट वेस्पेसियन ने बनाना चालू किया था और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया था। इसका डिजाइन इतना बढ़िया है कि आज तक संसार के खेल स्टेडियम इसकी किसी न किसी रूप में नकल करके बनाए जाते हैं। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनाया गया है। अपनी विशालता के कारण ही यह दुनिया के सात अजूबों में शामिल है। माचू पिच्चू, दुनिया के अजूबों में शामिल माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जहां कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता रहा करती थी। समुद्र तल से इस स्थल की ऊंचाई 2430 मीटर है। 1430 ईस्वी के आसपास इंकाओं ने इसका निर्माण अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में शुरू किया था, लेकिन इसके लगभग 100 साल बाद जब इंकाओं पर स्पेनियों ने विजय प्राप्त कर ली तो इसे यूं ही छोड़ दिया गया। पूरे विश्व को इससे परिचित कराने का श्रेय हिरम बिंघम को जाता है। क्राइस्ट द रिडीमर, यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है जिसमें पेडेस्टल शामिल नहीं है और इसका वजन 635 टन है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। मजबूत कंक्रीट और सोप स्टोन से बनी इस मूर्ति का डिजाइन ब्राजील के थिएटर द सिल्वा कोस्टा ने इसे बनाकर तैयार किया था। पेट्रा, पेट्रा जॉर्डन के महान प्रांत में बसी एक ऐतिहासिक नगरी है जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थर से तराशी गई इमारतों के लिए जानी जाती है। इस नगरी में आपको पत्थर से तराशी गई एक से एक बढ़कर इमारतें देखने को मिल जाएगी। माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। वहीं आज के समय की बात करें तो आज ये शहर मशहूर पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह नगरी विश्व के सात अजूबों में भी शामिल है। ताजमहल, भारत के आगरा में स्थित ताजमहल भी दुनिया के सात अजूबों में से एक है। आपको बता दें कि इस ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। खूबसूरत कलाकारी के नमूने ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। इसे बनाने में करीब
15 साल का समय लगा। इसके निर्माण के लिए दुनिया भर से सफेद संगमरमर का पत्थर मंगवाया गया था और इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। चीन की दीवार। चीन की दीवार उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए अलग अलग राज्यों के कई शासकों द्वारा बनाई गई थी, जिसे बाद में धीरे धीरे करके जोड़ दिया गया था। यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। यह दीवार पूर्वी चीन से पश्चिमी चीन तक फैली हुई है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 35 फीट है। इस दीवार को बनाने में मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट आदि का उपयोग किया गया था।